वेलकम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। और हम कर रहे थे पिछले पार्ट में, हमने क्या किया था, शेपिंग ऑपरेशन और प्लानिंग ऑपरेशन में टाइम निकालने का क्या फार्मूला है वो हमने निकाल के देखा था। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही था, ये आपको ध्यान होगा, पिछले पार्ट आप दोबारा देखना। और मैंने जो शेपिंग ऑपरेशन का जो टाइम, इसके दो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं। तो जो जनरली वो फार्मूला जो है उसका, शेपिंग टाइम का, वो क्या है, वो है एरिया टू बी स्वेप्ट डिवाइडेड बाय एरिया स्वेप्ट पर मिनट। ठीक है, तो उसी से हमने ये फार्मूला निकाले थे, दो फार्मूले निकाले थे। एक फार्मूला तो क्या है, ये एल इंटू बी, ये तो आपको पता ही है, ओवर ट्रेवल ओवर का है। तो ये जो जॉब का जो लेंथ और विड्थ है प्लस में जो ओवर रन ओवर ट्रेवल है वो, तो ये एरिया आ गया। और नीचे वाला जो पार्ट है वो एरिया स्वेप्ट पर मिनट दोनों में, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों आए थे ये भी आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें इस्तेमाल कब कौन सा करना है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये टाइम निकालते हैं हम एक कट के लिए ही है, मान लो एक ही कट में सरफेस हमारी तैयार हो रही है तो वो केवल एक ही बार यूज होगा। अगर दो कट में हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, नंबर ऑफ कट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम पहले भी करते रहे। तो अब इन दोनों फार्मूलों में आपको पता है कि सी क्या है एफ क्या है, इनको आपने ध्यान रखना है। तो बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दें जिसमें जो है कटिंग स्पीड का जो है वो इफेक्टिव स्पीड का जिक्र ही ना किया हो कि वो एवरेज स्पीड के किसके बराबर, जैसे इसमें हमने निकाला था इफेक्टिव स्पीड क्या थी, वो 3/5 ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, ध्यान है। तो अगर वो ना दिया हो तो सिंपल ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, और छोटे क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें सिंपल ये फार्मूला लग जाता है। तो सी की वैल्यू दी होगी डायरेक्ट रख के, एफ की वैल्यू रख के ये निकल आएगा। और ये ध्यान रखना कि जो ये एल और बी है सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला ये कब इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो सकता है कि जो इफेक्टिव स्पीड है किसी क्वेश्चन में वो उसकी एग्जैक्ट इसके बराबर ना हो, 3/4 भी हो सकती है बाई चांस, तो ई इज इक्वल टू 3/4 सी, तो उस केस में ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि 3/4 तो 60 की जगह कुछ और वैल्यू आ जाएगी, मान लो 75 आ जाएगी, मान लो और कुछ है 3/6 है या कुछ भी हो, तो ये फार्मूला ना लग के फिर हम ये वाला यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, वो किसके बराबर था, एन की वैल्यू निकालने का तरीका एस एन, फार्मूला याद है आपको, इफेक्टिव स्पीड टू एस एन अपॉन 100, ये ध्यान है आपको। तो इससे हम एन की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, और इफेक्टिव स्पीड किससे आएगी, इससे आ जाएगी। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करेंगे उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, तो अब कैसे करेंगे ये देखना हमें। तो अब ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग ब्लॉक ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर साइज इन टू कट्स, टेक कटिंग स्पीड एज 20 मीटर पर मिनट एंड एफ इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर पर स्ट्रोक। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब करते हैं तो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो देखो आप, गिवन क्या है, साइज दिया हुआ है, अब 40/20 का मतलब है कि एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में लिख देना, लेंथ ऑफ जॉब एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ जॉब बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कट्स एन इज इक्वल टू 2, और कटिंग स्पीड, अब ये कटिंग स्पीड कौन सी दी है, एवरेज कटिंग स्पीड है, यानी कि सी की वैल्यू हमारे को दी गई है। ठीक है ना, इसमें लिखा नहीं है लेकिन कटिंग स्पीड दी है, एवरेज ही दी गई है ये, तो कटिंग स्पीड सी इज इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट, एंड फीड कितना दिया है 0.6 मिलीमीटर पर स्ट्रोक। ठीक है, ये हमारे को डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हमारे को सी दिया है। ठीक है,
और कुछ दिया नहीं, ठीक है, और कोई रेशियो भी नहीं दी हमें, तो हमारे को एक ही फार्मूला पता है, उसके लिए वी नो टाइम पर कट कितना होगा इन शेपिंग, टाइम रिक्वायर्ड पर कट एल प्लस फाइव इंटू बी प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 60 सी एफ, ठीक है। तो ये हमारे को फार्मूला है, पता है। अब इसमें L की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर, B की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, और 5 और 2.5 भी सेंटीमीटर में ही है, और 60 सी, सी किस में दिया है, ये 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन ये सारा जो है हम 20 को डायरेक्ट इसमें रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला हमने ये 60 सी बाय वो जो भी हमने निकाला था पीछे, तो वो अपने आप ही इसमें बराबर हो गया। और F क्या दिया हमारे को मिलीमीटर में, तो F की वैल्यू हम जो है 0.06 सेंटीमीटर पर स्ट्रोक हो जाएगी, हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये 40 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20 इंटू 0.06, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला T इज इक्वल टू, तो इससे हम कैलकुलेट करके T की वैल्यू आ जाएगी, ये पर कट आएगा, जो भी आएगा हमारी ये वैल्यू आएगी, मान लो ये 14.06 मिनट आ गया एक कट के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T इंटू नंबर ऑफ कट्स, तो 14.06 गुना दो 28.12 मिनट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करके देखना, खुद कैलकुलेट करोगे तो कुछ और भी चीज पता लगती है, ठीक है, जो मैंने बताया वो तो है ही, इसके अलावा जब खुद करते हैं तब तो काफी चीजें पता लगती हैं कि क्या चीज कैसे की, नहीं समझ में आए तो आप पूछना। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं शेपर का ही, एक क्या दिया इसमें, कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी शेप टू रिड्यूस थिकनेस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1.8 सेंटीमीटर इन वन कट, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग इफ कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट एंड स्पीड इज 0.2 मिलीमीटर पर स्ट्रोक एंड कटिंग टाइम रेशियो इज 3.5। बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई हो, कटिंग टाइम रेशियो इसमें अलग से दिया है 3/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव कटिंग स्पीड जो है E इज इक्वल टू 3/5 ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमारे को दे रखी है 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये भी कह सकता था इफेक्टिव कटिंग स्पीड इज 3/5 ऑफ द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना, हमने अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आना तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला जो आपने पीछे यूज किया पिछले न्यूमेरिकल में, ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब पहले तो ये लिख लो कि दिया क्या हुआ, एल हमारे को दे रखा 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थिकनेस रिड्यूस करनी है, ये एक ही कट में करनी है, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कट कितना दिया 1। फिर क्या दिया है, सी दे दिया 20 मीटर पर मिनट, और फीड दे दी 0.2 मिलीमीटर पर स्ट्रोक, ठीक है, और कटिंग रेशो दिया है, तो ई इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू 3/5 सी, ये हमारे को दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे वी नो टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग, ठीक है, इन वन कट इज इक्वल टू एरिया टू बी स्वेप्ट डिवाइडेड बाय एरिया स्वेप्ट पर मिनट, तो ये इससे हम चलेंगे, तो एरिया टू बी स्वेप्ट कितना हो जाएगा, आपको पता है L प्लस 5 इंटू बी प्लस 2.5, ठीक है, ये क्या है ये आपको पता ही है, ओवर ट्रेवल एंड ओवर रन। अब बात आती है एरिया स्वेप्ट पर मिनट, ये किससे आएगा, एरिया स्वेप्ट पर मिनट
ये है एफ इंटू एस इंटू एन, ठीक है। तो किसके बराबर फार्मूला आपको याद होगा, ये वाला एल प्लस फाइव इंटू बी प्लस 2.5 डिवाइड बाय एफ इंटू एस इंटू एन। अब इनमें से ये चीजें हमारे को मालूम है, ठीक है, ये किसके बराबर है 20 और ये क्या है 7.5, तो ये कितना देगा 2 बाय एरिया टू बी स्वेप्ट कितना हो जाएगा ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, 20 प्लस 5 25 और ये 7.25 ये 10 हो जाएगा, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया टू बी स्वेप्ट। अब फीड कितनी है 0.02 सेंटीमीटर पर स्ट्रोक, 0.2 मिलीमीटर दिया तो 0.02 सेंटीमीटर पर स्ट्रोक ये फीड हो जाएगी। एस किसके बराबर होगा एल प्लस 5, कितना है ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब बात रहेगी एन की, एन के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा भला, ई इज इक्वल टू एस एन अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/5 सी। तो इससे हमारे को एन की वैल्यू मिल जाएगी 100 इंटू 3, ठीक है, 5 ये एस की जगह क्या आ जाएगा 5 इंटू एस किसके बराबर 25 इंटू सी। तो एन किसके बराबर हो गया 100, तो 100 इधर चला गया, एस नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी कितना दिया हमारे को 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 48 स्ट्रोक्स पर मिनट। तो ये एन की वैल्यू हमने एरिया टू बी एरिया स्वेप्ट पर मिनट में लिख देनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 25 इंटू 48, तो ये हो जाएगा हमारा कितना भला 24 यहां पर आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा 10.41 मिनट। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है, ठीक है। ये मैंने क्यों करके दिखाया कि बाय चांस ये तो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हो L प्लस 5 इंटू बी प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 60 सी एफ, क्योंकि वो जो सी 60 सी आ रहा है वो इसी को रख के ही आ रहा है, लेकिन बाय चांस अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो आपको यही फार्मूला काम आएगा उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन करके देखना ये। अब प्लानिंग का अगर बात करें, प्लानिंग में भी यही है, केवल किस चीज का फर्क है प्लानिंग में, फॉर्मूले का थोड़ा फर्क है, उसमें टाइम किसके बराबर है एल प्लस 25 इंटू बी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 75 सी एफ, याद आया आपको, तो यही है, ठीक है। तो इसमें भी सी वही चीज है। अब ये सी 75 सी क्यों आया, क्योंकि उसमें इफेक्टिव स्पीड जो है वो हमारे को दी है 3/4 सी इज इक्वल टू एस इंटू एन अपॉन 100। तो इससे मैं एन की वैल्यू निकाल ले तो इससे आ जाएगी, मान लो एन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना तो आप इस फार्मूले से निकाल लेना, लेकिन 3/4 दिया तो यही फार्मूला जो है आपका काम आ सकता है, ठीक है, या अगर दिया ही ना हो कुछ तो एवरेज स्पीड से ही आप निकाल लेना, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया तो एन वाले फार्मूले से निकाल लेना, ठीक है। टी इज इक्वल टू एल प्लस 25 इंटू बी प्लस 5 डिवाइड बाय एफ इंटू एस इंटू एन, तो एन जो है यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये शेपिंग और प्लानिंग के टॉपिक जो था मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप इसको दोबारा देख के अच्छे से समझ के देखना और न्यूमेरिकल अपने हाथ से जरूर करके देखना, क्योंकि अपने हाथ से जब न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत सारी चीजें पता लगती है, यूनिट कन्वर्जन का पता लगता है, वो गलतियां हो जाती हैं, और कई बार ये भी नहीं ध्यान रहता कि मिलीमीटर सेंटीमीटर में कहां पर क्या कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये आप अपने हाथ से करोगे तो क्लियर हो जाएगा, और अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मिलिंग मशीन का, टाइम एस्टिमेशन फॉर मिलिंग मशीन, ओके।